सरफराज अहमद रफीकी, जिन्होंने अपने पहले ही हमले में भारतीय फजाइया को मफलूज करके रख दिया। रफीकी अपने साथियों में हमेशा से एक नाम रखते थे। उनके तारीखी अल्फाज थे कि जो लोग हिफाजत का जिम्मा रखते हैं उनके लिए जिंदगी और मौत कोई हैसियत नहीं रखती। सरफराज रफीकी के भाई भी पाक फौज का हिस्सा थे और एक फिजाई हादसे में शहीद हो गए। बैठ हुई, उसमें रफीकी शहीद हुए, यूनुस शहीद हुए, जी हाँ, यूनुस हसन शहीद हुए, और आई वाज द ओनली वन आफ्टर शूटिंग आउट थ्री एरोप्लेन्स, आई केम बैक, बट टुगेदर वी हैड शॉट अबाउट 6 to 7 ऑफ देयर। जज्बाए शहादत से सरशार सरफराज रफीकी 1965 में पाक के वो पहले पायलट थे जिन्होंने दुश्मन के दो तैयारे हवा में ही उड़ाए और साथ ही इम्तियाज़ भट्टी ने बाकी दो तैयारों का काम तमाम किया। रफीकी साहब ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि चलो पुराने वक्त की याद में मैं लीडर होऊंगा, तुम नंबर दो होगे। और इन जवानों की फतेह ने पाक फौज में नया जोश भर दिया था। स्क्वाडन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में पाकिस्तान के 3 लड़ाका तैयारों ने भारत के हवाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए सरगोधा से उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान उन्होंने अपने भरपूर जोश और जज्बे से मुल्क के लिए हिस्सा लिया। उन्होंने फट ऐसे लेफ्ट को टर्न किया, रिवर्स किया, मुझे कहने लगे तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम इन लोगों को मारना। तो उस वक्त का जो एक बहादुर कलीग के जाने का जो दुख था वो वहीं ख़त्म हो गया, और ये कि ही दोनों फंस और हमने भी उसी तरह करना है। इसी मुकाबले में दुश्मन का सामना करते करते सिर्फ 30 बरस की उम्र में सरफराज रफीकी ने जामे शहादत नौश किया। स्क्वाडन लीडर सरफराज रफीकी और इन जैसे नौजवान हमेशा पाकिस्तान की तारीख का अहम हिस्सा रहेंगे। At that time there was a Pakistan pair aircraft flying around on patrol. It was led by one of the very famous pilots, Rafiki.